हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में अवकलज के बारे में क्या होता है और उसके क्वेश्चन देखे थे। आज हम अवकलज के एलजेब्रा के और फंक्शन और उनको सॉल्व कैसे करना है इसको देखेंगे। तो सभी छात्र देखें कि फलों के अवकलज का बीजगणित, तो इसमें अंतर्गत यदि हमको दो फलन का योग दिया हो तो उसका अवकलज क्या होगा, अलग अलग फंक्शन के अवकलज के योग के बराबर होगा। तो ये नियम वन है। इसी प्रकार से सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ये नियम है, आपको इनको नोट कर लीजिए। इनके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनके यूज होंगे। क्लियर? तो ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और ये नंबर फोर, ये चार प्रॉपर्टी हैं योग के लिए, माइनस के लिए, इंटू के लिए और सबट्रैक्शन डिवीजन के लिए, ये चार नियम है। अब हमको प्रश्नावली 13.2, तो प्रथम सिद्धांत से इनके अवकलज ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम वन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि एफ डैश हमको टेन पर देखना है, तो एफ डैश टेन कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ टेन प्लस एच माइनस एफ टेन अपॉन एच। अब हम फंक्शन का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पर एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो टेन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू, और यहां कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस टू अपॉन एच। तो माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका हंड्रेड प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एच अपॉन एच। और साथ में यहां पर माइनस हंड्रेड दिया हुआ है, तो माइनस हंड्रेड और प्लस हंड्रेड कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहां बचेगा, एच एस से डिवाइड कर देंगे तो एच प्लस ट्वेंटी, और एच का मान जीरो रखने पर यहां आ जाएगा जीरो प्लस ट्वेंटी इक्वल ट्वेंटी, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सभी बच्चे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनका हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो सेवन का फर्स्ट, तो यहां पर दिया हुआ है, मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसका डी बाई वन डी एक्स ज्ञात करना है। तो एक नियम याद रखना कि यदि एक्स इक्वल टू रूल है कि यदि वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन हो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ये रूल है। तो यहां पर अगर y इक्वल टू एक्स उसका दिया हो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, n के स्थान पर टू एक्स टू माइनस वन इक्वल टू टू एक्स, और यदि y इक्वल टू एक्स दिया हो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहां वन है
क्लियर, वन एक्स वन माइनस वन, यानी कि वन इंटू एक्स की पावर जीरो इक्वल टू वन, क्लियर। तो इसका यही नियम यूज किया, तो यहां पर डी वाई बाई डी एस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, टू एक्स माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन प्लस जीरो, ठीक है। और कॉन्स्टेंट का यदि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स भी कितना होता है, जीरो। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सिंपल कर लीजिए, टू एक्स माइनस ए माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन करने कोशिश करेंगे, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने आपको यह बताया था कि अगर मान लो दो फंक्शन डिवीजन में दिए हुए हैं, तो इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हर को इस तरह का अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को इस तरह का हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का स्क्वायर, क्लियर। ये रूल हमने यहां लिखाया था, आपको दिखा दे रहा हूं, ये वाला रूल देखिए कि इसमें हर ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है ना, इसी को यूज कर रहे हैं। इसमें हर को इस तरह का है अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को इस तरह का हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का वर्ग, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर करिए आप, तो हमको क्या चाहिए, डी बाय वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, हर को फिक्स रखना है यानी x माइनस बी को इस तरह रखना है, और इसका आंसर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस ए अपॉन डी एक्स माइनस अंश को फिक्स रखना है और हर का डिफरेंशिएशन डी एक्स माइनस बी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस बी और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस ए और इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह एक्स और यह एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, क्लियर। ओके, थैंक यू।